हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ विद्यासागर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेसी नवादा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा के बारे में, जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ वर्तमान में। तो इस कॉलेज में जो है चार ब्रांच है आपका। कंप्यूटर साइंस इसी बार ऐड हुआ है, अपडेट हुआ है। इससे पहले तीन ही ब्रांच थे, जिसमें कि आपका था सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल था। सिविल में 120 सीट थे और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में 66 सीट। और अभी जो ऐड हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE, इसमें भी आपका 60 सीट है। तो ये कुल मिलाकर सीटें हैं हमारे कॉलेज में। तो आप लोग आइए, जिनको भी एडमिशन लेना है लीजिए। इसका एडमिशन दो तरह से होता है, एक तो JEE मेंस के एग्ज़ाम के स्कोर पे होता है और एक होता है BCEC के। और आपको बता दूं कि आप बिहार इंजीनियरिंग में किसी भी कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको JEE मेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगी। अगर आप PR भी करते हो ना, तो कोई ना कोई कॉलेज आपको नया वाला मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स खाली चली जाती हैं बहुत सारे कॉलेज में। हमारे भी कॉलेज में गई थी, पर इस पिछली बार पूरा फुल हो चुका था। और सिविल का तो फुल चलता है, पूरा फुल हमारे कॉलेज में। 125 बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, 125 बच्चे सिविल में सिर्फ, और बाकी में 160 हैं वो। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तो जब आप पटना से आ रहे हो, तो पटना से आने के लिए आप बैरिया बस स्टेशन से बस पकड़ना बिहार शरीफ का। बिहार शरीफ से फिर आपको बस चेंज करनी पड़ेगी, जो कि आपका वो बस आता है यहाँ बुधौल बस स्टैंड नवादा, उस बस को पकड़ना। जो फेयर है वो पटना से 100 रुपये लगेगा बिहार शरीफ का, और बिहार शरीफ से यहाँ बस स्टैंड आने में आपको 70 रुपये लगेगा। तो टोटल 170 रुपया खर्च आएगा। और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, विद्यासागर कुणाल है मेरी ID का नेम, और फेसबुक पे भी सेम है। तो आप लोगों को एडमिशन लेना है तो बेहिचक लीजिए एकदम, क्योंकि यहाँ पे आपका लैब, क्लासेस, वर्कशॉप ये सभी आपको मिलेंगे डेली करने को। क्लासेस तो डेली होती है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अटेंडेंस जो है वो 75% अनिवार्य है, वो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। और स्कॉलरशिप में शायद प्रॉब्लम होता है अटेंडेंस को लेकर। ठीक है, तो आइए आप सबसे मिलते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं वीडियो बनाता रहूँगा जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अपडेट देना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक मैं थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।